नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम जिस प्रश्न की यहाँ बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि RS 24,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 30% प्रतिवर्ष की दर से मिश्र धन क्या होगा जब ब्याज प्रत्येक 8 महीने में चक्रवर्धित होता है। यहाँ पर क्या कहा है कि जो ब्याज की गणना है वो 8 महीने बाद फिर से आपको करनी है, यानी 8 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वह राशि हो जाएगी। तो राशि यानी मूलधन कितना है, तो मूलधन है 24,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 30%, ठीक है। यह वार्षिक है। अब जब यह वार्षिक है तो इसको हम 8 महीने के रूप में बनाएंगे तो रेट कितना आ जाएगा, 30 में क्या करेंगे हम, 2 का गुणा करेंगे और 3 का भाग लगाएंगे तो 10 × 2 = 20% आ जाएगा। अब टाइम उसने यहां पर दिया है 2 वर्ष, ठीक है। अब 2 वर्ष है, हमको 8 महीने के रूप में टाइम लेना है, तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 माह होते हैं। और 24 माह को जब हम 8 के फॉर्म में बनाएंगे तो 3 बार डिवाइड होगा, यानी समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बार हम यहाँ पर समय मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन 24,000, रेट यहाँ पर हम 20% लेंगे और टाइम यहाँ पर 3 वर्ष हम कैलकुलेट करके चलेंगे। और पूछा क्या है हमसे, मिश्र धन पूछा है, यानी अमाउंट हमसे पूछा है, ठीक है। अब अमाउंट का हम फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट बराबर होता है P1+R भागे 100 की पावर क्या होती है, टाइम। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, 24,000, 1+R की वैल्यू है 20 भागे 100 पावर है 3 की, यहाँ काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 × 5 = 6। तो A बराबर 24,000 × 6/5 × 6/5 × 6/5। अब इसको हम कट कर देंगे, 5 × 25, 25 × 5 = 125 आएगा। तो A बराबर यहाँ जब 124,000 हो जाएगा, ऊपर करेंगे 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216, नीचे हो जाएगा 125। जब हम 125 से इसको कट करेंगे तो हम यहाँ पर 125 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमने 125 से काटा तो कितना आ गया, 192 आ गया। अब 192 और 216 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमने यहाँ किया 6 का किया, 6 × 2 = 12, 6 × 9 = 54, 54 × 55, 6 × 6 = 5 = 11, 1 का किया तो 2 × 9 = 1, और 2 का किया तो 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2 = 3, जोड़ देंगे 2, 5 × 2 = 7, 9 × 10 = 14, 14 × 4 = 8, 9 × 10 = 11, 3 × 4। तो अमाउंट निकल के कितना आ गया, अमाउंट आ गया 41,472 रुपये, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी क्या थी, यहाँ पर रेट और टाइम को निकालना, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था कि प्रत्येक 8 महीने में ब्याज जो होता है वो चक्रवर्धित हो जाता है, यानी 8 महीने की हमें 1 वर्ष मान के चलना है। तो टाइम 2 वर्ष था, 2 वर्ष में होते हैं 24 माह, 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टाइम कितना आएगा, 3 वर्ष आएगा। और यहाँ रेट था 30%। अब जब 8 महीने का हम निकालेंगे तो 3 का भाग दिया, 2 का गुणा किया, तो यहाँ से रेट निकल के आ गया 20%, और हमने सॉल्व कर दिया तो 41,472 अमाउंट निकल के आ गया। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।